स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बिलासपुर में बछड़े को कार से कुचलकर मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बछड़े को कार से कुचलकर मारने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी थी। घटना के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे ओडिशा से गिरफ्तार किया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एक बछड़े को कुचलकर कार सवार ने मार दिया था। और तो और बेरहमी की हद ये थी कि एक बार कार चढ़ने के बाद कार बैक करके दोबारा उस पर कार चढ़ाई गई थी, और ये सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी, और अब आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। में एक घटना हुई थी जिसमें कार सवार युवक के द्वारा एक बछिया को कुचल करके फरार हो गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा 429 IPC और 410 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम भी गठित की गई थी, जिसके द्वारा जो है आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय पेश किया गया था और जेल दाखिल कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने नाकेबंदी कर एक ट्रक से 22 गौवंश को बरामद किया। इन गौवंश को इंदौर के सेंधवा बॉर्डर के पास लगने वाली खलहाट पशु हाट में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहना के पास चेकिंग के दौरान ट्रक को रोककर कार्रवाई की। हैरानी की बात यह है कि गौवंश को मिनी ट्रक में बुरी तरह से ठूस कर ले जाया जा रहा था। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि ट्रक में गौवंश को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर नाकेबंदी कर यह कार्रवाई की। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। थाना मोहना में सूचना मिली थी किसी के माध्यम से एक कंटेनर में गौवंश भर के जा रहा है, तो पुलिस ने उसको चेक किया और देखा कि कंटेनर था RG11 G7624। तो उसको रोक के देखा तो उसमें 22 गौवंश बैल थे भरे हुए थे, और दो उसमें आरोपी पकड़े गए, एक शकील और सलमान, ये कोसी कला मथुरा के रहने वाले हैं। तो उनको अरेस्ट किया गया, 22 गौवंश जब्त किए गए, और रानी घाटी जो अपनी गौशाला है उसमें वो छोड़े गए।